મુંબઈની કમલા મિલ કમ્પાઉન્ડમાં લાગેલી ભીષણ આગ પર સંસદમાં પણ હોબાળો થયો. લોકસભામાં મુંબઈમાં લાગેલી આગ મામલે ભાજપ અને શિવસેનાના નેતાઓ વચ્ચે ચર્ચા થઈ તો લોકસભામાં ભાજપ નેતા કિરીટ સોમૈયાએ બેદરકારી પાછળ જવાબદાર લોકોને વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે ફાયર સર્વિસના ઓડિટની માંગ ઉઠાવી. ત્યારે બીજી તરફ શિવસેનાના સાંસદ અરવિંદ સાવંતે ભાજપ પર પ્રહાર કર્યા અને તેમણે કહ્યું કે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. कमला मिल कंपाउंड में आग लगी, 18 लोग जिंदा मर गए. और मेरी जो जानकारी है कि वहां पर वो जो पब था, रेस्टोरेंट था, वो गैर कानूनी था, उसके पास परमिशन नहीं थी. इस प्रकार के कमला मिल कंपाउंड और बगल के फिनिक्स मिल कंपाउंड में आपको इस प्रकार के डजन तो होटल, रेस्टोरेंट, पब है. मैं आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि नगर विकास मंत्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और महाराष्ट्र सरकार को सूचना दी जाए कि इन सबका स्पेशल फायर ऑडिट किया जाए. कमला मिल और फिनिक्स मिल नथिंग बट अ डेथ ट्रैप. 15 दिन पहले मेरे मतदार क्षेत्र को लगकर इसी प्रकार से फरसान मार्ट में आग लगी थी, 12 मजदूर जिंदा मर गए. इस प्रकार की रोजाना घटना मुंबई महापालिका, उनके अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी, फायर ब्रिगेड ऑडिट नहीं होता है. उसी प्रकार से उसको परमिशन जो दी गई पूरा अनऑथोराइज था. इसलिए दोनों मॉल का स्पेशल ऑडिट हो, फायर इंस्पेक्शन हो और लोगों के, आम आदमी की जान की रक्षा.